नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी की सेहत अच्छी होगी और आप सब खुद का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक और बैच फ्लावर मेडिसिन के बारे में डिस्कशन। जैसा कि हम आप सभी को पता है, थर्सडेज को हम बैच फ्लावर मेडिसिन का डिस्कशन लेते हैं। तो आज की जो मेडिसिन है उसका नाम है रॉक वाटर। बहुत ही अच्छी और उम्दा दवा है। इसके क्या फायदे है, क्या नुकसान है, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। किस स्वभाव के लोगों के अंदर ये दवा हमें इंडिकेटेड देखने को मिलती है, इस सभी के बारे में आज विस्तार से जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और साथ ही साथ कोई अगर सुझाव है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो दोस्तों, बात कर रहे थे रॉक वाटर के बारे में। बहुत ही अच्छी दवा है, बैच फ्लावर मेडिसिन है जो अक्सर हम यूज करते हैं। ये ऐसे लोगों के अंदर हमें इंडिकेटेड देखने को मिलती है जो खुद अंदर ही अंदर मन में घुट रहे होते हैं। आत्मसंयम इनके बहुत ज्यादा होता है, खुद को बहुत ज्यादा उसूलों वाला समझते हैं। खुद के उसूलों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, खुद के उसूलों के लिए जान देनी पड़ी तो जान भी देने से ये लोग पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे स्वभाव के मनुष्यों के अंदर हमें अक्सर ये दवा इंडिकेटेड देखने को मिलती है। कीवर्ड्स की यदि बात करें तो कीवर्ड में आएगा सेल्फ सेक्रीफाइस फॉर अ प्रिंसिपल। कोई चीज की यदि ये मानते हैं कि ये चीज सही है तो उस चीज को पालन करने के लिए, उस चीज का पालन करने के लिए खुद जान दे देंगे लेकिन उस चीज को नहीं छोड़ेंगे। ये स्वभाव गुण हमें लोगों के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट इस दवा के देखने को मिलते हैं। वैसे तो उसूलों का होना एक अच्छा गुण है, लेकिन यदि उसूल से बंधा मनुष्य बिना किसी कारण अपने जान पर खेल जाए तो उस स्वभाव के लोगों के लिए हमें रॉक वाटर काफी इंडिकेटेड देखने को मिलती है। बैच फ्लावर मेडिसिन में रॉक वाटर ही एक ऐसी दवा है जो पहाड़ियों के चट्टानों को चीर के बनाए हुए पानी से बनाई जाती है। ठीक है, तो ये फूल से बनी हुई दवा नहीं है, बैच फ्लावर मेडिसिन में इंक्लूडेड है, लेकिन पानी से बनाती हुई बनी हुई ये दवा है। तो ये वो जो पानी चट्टानों को चीर कर टकरा कर उनको छीलता है, तोड़ता है, ऐसे पानी से इस दवा का निर्माण हमें होता हुआ देखने को मिलता है। इस दवा का स्वभाव भी ऐसे मनुष्य का ही है जो बहुत ज्यादा स्टब्बन होता है, अपने उसूलों को फॉलो करने वाला होता है, चाहे कुछ भी हो जाए अपने उसूलों को नहीं छोड़ता है और धीरे धीरे उसके उसूलों के ऊपर कायम रहता है, अड़िग चट्टान की तरह कायम रहता है। चाहे उसके लिए उसे कितनी ही कुर्बानी करे, कितनी ही खुशियां छोड़ देनी पड़े, वो सब छोड़ देता है। तो यही स्वभाव गुण हमें इस दवा के अंदर भी देखने को मिलता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन है। रॉक वाटर जो दवा है ये ऐसे मनुष्य के ऊपर है जो अपने विचारधारा पे, अपने उसूलों पे चलते चलते यदि उसे कठिनाई आई, कितनी भी कठिनाई आई, कितनी भी तकलीफ आई, तो वो चुपचाप सहन करता है। किसी को खुद के दुख के बारे में नहीं बताता या ये नहीं बताएगा कि ये फॉलो करने से मुझे ये तकलीफ हो रही है। चुपचाप खुद के तकलीफों को सहन करते रहता है। किसी को ये भी नहीं कहेगा कि मैं जो उसूल फॉलो कर रहा हूँ वो उसूल आप भी फॉलो करो, ऐसा भी नहीं कहेगा, लेकिन खुद के उसूलों को श्रेष्ठ मानता है और उन्हीं उसूलों के ऊपर अड़िग रहता है, चाहे उसके लिए कितनी ही तकलीफें उसे क्यों ना झेलनी पड़े। किसी और को अपने दुख में ये लोग शरीक नहीं करते हैं और अपने उसूलों को फॉलो करने के वजह से उनके ऊपर खुद पे खुद ही काफी दबाव बना लेते हैं, यानी खुद के मन पे खुद का ही दबाव ऐसे लोगों के अंदर हमें देखने को मिलता है। अपनी खुराक, आपसी भाईचारा, आचार विचार पर बहुत सख्त निगरानी रखते हैं ये लोग। हर चीज को मॉनिटर करते हैं और खुद का जो आदर्श होता है वो काफी ऊंचा रखते हैं और उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको ऐसा लगता है कि लोग उनसे इंस्पायर होंगे और उन्हें फॉलो करना शुरू करेंगे या उनके जैसा बिहेव करना शुरू करेंगे। तो इस तरह की विचारधारा वाले लोग हमें देखने को मिलते हैं। यदि तो उनके लिए रॉक वाटर हमें इंडिकेटेड मेडिसिन देखने को मिलती है। अब ये लोग जो होते हैं वो अपने रास्ते पे चलते हैं, अपनी विचारधारा के रास्ते पे चलते हैं और बिना डगमगाए हुए चलते हैं। इधर उधर भी खुद का ध्यान थोड़ा सा भी भटकने नहीं देते हैं। जो उनका उसूल है, जो उनके आदर्श है, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले लोग ये लोग हमें देखने को मिलते हैं।
ये अपने आप को सांसारिक खुशियों से भी कई बार वंचित रखते हैं, दूसरों की जिंदगी में कभी कोई दखल नहीं देंगे, ये लोग कभी भी दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं देते हैं, किसी से भी इनका द्वेष भावना हमें देखने को नहीं मिलता, किसी के बारे में जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, ये स्वभाव गुण इन लोगों का हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन खुद के उसूल फॉलो करने के लिए खुद के ऊपर कोई भी जुल्म, किसी भी हद तक का जुल्म ये लोग कर देते हैं। ये दवाई उन लोगों के लिए है जो धर्म, राजनीति और सामाजिक सुधार के काम में अपने मन और अपनी जिंदगी पे एक ऐसी पक्की लकीर खींच लेते हैं और उस लकीर पर इस अड़िकता से चलते हैं कि थोड़ा भी ध्यान उनका इधर उधर नहीं जाता, असंभव सा हो जाता है। जो लकीर खींच लेते हैं उस लकीर को वो कभी क्रॉस नहीं करते, अपने एक जो विचारधारा होती है उसी विचारधारा पे स्ट्रिक्टली ये लोग चलते रहते हैं। वे दूसरों के तो 100 गुनाह माफ कर देंगे, किसी ने कुछ भी गुनाह किया तो उसे माफ कर देंगे, लेकिन खुद के हाथ से यदि एक छोटी सी गलती भी हो जाती है तो खुद को माफ नहीं कर पाते, ऐसे स्वभाव के लोग हमें देखने को मिलते हैं। मसलन एक उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, यदि कोई खांसी का पेशेंट आया तो अक्सर हम कहते हैं, डॉक्टर होने के बावजूद कहते हैं कि 2 चम्मच ब्रांडी आप पी लीजिए, आपको नींद आ जाएंगी, आपकी खांसी में आराम हो जाएगा, आप चैन से सो पाओगे। लेकिन यदि कोई उसूल वाला व्यक्ति है तो वो रात भर खांसेगा, रात भर जागेगा, लेकिन 2 चम्मच ब्रांडी नहीं पिएगा। तो क्योंकि ब्रांडी पीना उसे ऐसा लगता है कि ये एक आदर्श चीज नहीं है, फॉलो करने वाली चीज नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में वो कभी भी दारू का, शराब का सेवन नहीं करेगा, चाहे वो दवाई के तौर पे ही क्यों ना हो। तो ऐसे लोग यदि हमें देखने को मिलते हैं हमारी प्रैक्टिस के अंदर, तो मोस्टली रॉक वाटर यदि उन्हें दिया तो उनका जो है स्वभाव थोड़ा सा चेंज होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो जैसा कि मैंने बताया, खुद के स्वभाव के लिए, खुद के प्रिंसिपल के लिए उनकी जान भी चली जाए तो वो कुर्बानी देने को तैयार होते हैं, लेकिन खुद के आदर्शों को छोड़ने के लिए ये लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। ऐसे उसूलों के बंधन में जो लोग पड़े होते हैं वो चाहते हैं कि लोग उनसे प्रेरित हो और उन्हें फॉलो करें, लेकिन असल में इतने ज्यादा बंधनों में जो व्यक्ति रहता है वो ना तो खुद खुश रह सकता है, ना ही उनके आसपास के लोगों को खुश रख पाता है। तो ये एक विडंबना है, उन्हें खुद को लगता है कि उनके हाई स्टैंडर्ड्स है, हाई थिंकिंग है, तो लोग उन्हें फॉलो करेंगे, लेकिन असल में आसपास के लोग जो होते हैं वो थोड़े से परेशान ऐसे लोगों से हमें देखने को मिलते हैं। रॉक वाटर का स्वभाव का जो मरीज होता है वो कई बार अपने हठधर्मी के कारण दूसरों के लिए काफी कठिनाई पैदा करता है, दूसरों के लिए बहुत सी दिक्कतें ये लोग पैदा कर देते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे हमारे पास्ट प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई जी, तो उन जमाने में ऑस्ट्रेलिया में एक मीटिंग रखी गई थी कई सारे प्रधानमंत्रियों की, युद्ध का साया था और सिक्योरिटी रीजंस के लिए सभी को एक होटल में, सभी प्राइम मिनिस्टर्स को, काफी कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स को एक होटल में छत पे मीटिंग के लिए बुलाया था, तो हेलीकॉप्टर से ले जाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन हमारे जो पंत प्रधान थे मोरारजी देसाई थे उन्होंने हेलीकॉप्टर से जाने से मना कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं तो अपने कार से बाय रोड ही जाऊंगा। तो वहां की जो सरकार है उन्हें रोड से जाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए हमारे बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, बहुत से पैसे खर्च करना पड़ा था, उनकी सिक्योरिटी को और ज्यादा अलर्ट और हाई करना पड़ा था ताकि वो सेफली हॉस्पिटल होटल तक पहुंच सके, सॉरी उस होटल तक पहुंच सके जहां पे मीटिंग होनी थी। तो ये चीजें हमें अक्सर लोगों के अंदर देखने को मिलता है। हमारे जो पास्ट प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, उनका स्वभाव भी रॉक वाटर की तरह ही था, काफी आदर्शवादी वो खुद को मानते थे और खुद के आदर्शों के लिए कभी भी थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं तैयार होते थे। तो ऐसे हठधर्मी उसूलबद्ध जो मनुष्य होते हैं उनको यदि रॉक वाटर यह दवा हम दे देते हैं तो ये लोग उसूल को तो फॉलो करेंगे, लेकिन इनका जो मस्तिष्क होता है वो उसूलों के बंधन से मुक्त होता है। मसलन उन्हें अगर लगता है कि एक उसूल जो वो फॉलो कर रहे हैं उससे कोई दूसरा विचार या उसूल जो श्रेष्ठ होगा, यदि उनके मस्तिष्क को ये पड़ गया, उनके दिमाग को ये पड़ गई बात की ये जो उसूल इतने सालों से फॉलो कर रहे थे उससे ये दूसरा उसूल श्रेष्ठ है, तो वो पुराना उसूल छोड़ देंगे और नए उसूल को फॉलो करेंगे। तो ये चेंज हमें स्वभाव में रॉक वाटर देने के बाद में लोगों के अंदर देखने को मिलता है।
ये लोगों को ये सेंस आ जाता है कि जो उसूल उन्होंने अपनाया है वो हर हालत में अंतिम तौर पर ठीक नहीं रह सकता, समय के अनुरूप थोड़े बहुत उसूलों के अंदर चेंजेस जरूरी होते हैं। ये चीज़ें लोगों को समझना शुरू हो जाता है जैसे ही हम ऐसे लोगों को रॉक वाटर दे देते हैं। तो अपने मन के उसूलों को थोड़ा सा लचीलापन देने के काम में हमें रॉक वाटर यह दवा काम में आती हुई देखने को मिलते हैं। तो अपने उसूलों से श्रेष्ठ उसूल यदि किसी को मिल जाए या सच्चाई का पता लगे जो वो फॉलो कर रहे थे उससे कोई ज़्यादा अच्छी बड़ी सच्चाई का यदि उन्हें पता लगे तो वो उन चीज़ों को फॉलो करने में बिल्कुल नहीं हिचकते यदि उनको रॉक वाटर दे दिया जाए। तो अब एक और बैच फ्लावर मेडिसिन है जिसका नाम है बीच। बीच के अंदर भी जो लोग होते हैं वो खुद के जो विचार है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। कानूनी व नियमबद्ध लोग जो होते हैं बीच के भी हमें देखने को मिलते हैं और बहुत स्ट्रिक्टली ये खुद के रूल्स फॉलो करते हैं। लेकिन एक डिफरेंस दोनों के अंदर हमें देखने को मिलता है। रॉक वाटर का जो मनुष्य होता है वो खुद के ऊपर ही रिस्ट्रिक्शंस लाता है, आसपास के लोगों को ये कभी नहीं कहता कि मेरे उसूल आप भी फॉलो करो। जबकि बीच का जो रोगी होता है या बीच के जो लोग होते हैं, बीच स्वभाव वाले जो लोग होते हैं, वो जो खुद कानून फॉलो कर रहे होते हैं आसपास वालों को भी कहते हैं कि यही कानून आप भी फॉलो करो, यही नियम आप भी फॉलो करो। तो ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। घनपक्ष यदि हम रॉक वाटर किसी को दे देते हैं, ऐसा उसूलों का पक्का यदि मनुष्य देखने को मिलता है और उसको हम रॉक वाटर दे देते हैं तो घनपक्ष में उनके स्वभाव में चेंज होते हुए हमें देखने को मिलता है। ये लोग उसूलों में तो पक्के रहते हैं लेकिन अपनी मति को उसूल से मुक्त रखते हैं, अपने जो विचार है उनको उसूलों से मुक्त रखते हैं। जब पहले से बेहतर उसूल या सच्चाई का पता लगता है तो वह दूसरे उसूल को अपनाने की हिम्मत रखते हैं। तो ये चेंजेस हमें रॉक वाटर देने के बाद में लोगों के अंदर देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप सभी को ध्यान में आ गया होगा कि अपने उसूलों के ऊपर चलने वाले लोगों के लिए ये दवा हम देते हैं, उसूलों के लिए हठधर्मी से चलते हैं और अपनी कई जायज खुशियों को ये कुर्बान कर देते हैं, ऐसे लोगों के अंदर हम रॉक वाटर दवा देते हैं। कभी भी दूसरों की ज़िंदगी में दखल ये लोग नहीं देंगे, अपनी ही पूर्णता की धुन में उलझे होते हैं। खुद के अंदर और क्या बेहतरी हो सकती है, खुद के उसूलों में और क्या कमी रहेगी, यही विचार दिन भर ऐसे रोगियों के अंदर हमें चलते हुए देखने को मिलते हैं और हमेशा खुद का ध्येय इतना ऊंचा रखते हैं कि उसे प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुशासित ये लोग हमें देखने को मिलते हैं। जब भी किसी कारणवश यदि कोई नियम ये फॉलो नहीं कर सकते हैं, नियम का यदि कोई पालन नहीं कर सकते तो बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। कोई भी नियम नहीं पाल सके तो असफल यदि हो गए तो बहुत ज़्यादा दुखी हमें ये लोग होते हुए देखने को मिलते हैं। जो भी सांसारिक खुशियाँ होती है वो उन्हें धर्म की राह से भटकाती है, ये जो विचार होता है ये ऐसे लोगों के अंदर हमें अक्सर पक्का होता हुआ देखने को मिलता है। वह यह नहीं समझते कि आध्यात्मिक जीवन ही असली खुशियों की जड़ है। जो धर्म मनुष्य को खुशी नहीं दे सकता वह अधर्म है, ये चीज ये लोग नहीं समझ सकते, आध्यात्मिक जीवन को ये लोग नहीं समझते। तो ये सभी चीजें हमें रॉक वाटर के अंदर देखने को मिलती है। तो ये थी आज की हमारी बैच फ्लावर मेडिसिन। आशा करता हूँ कि ये जो दवा मैंने समझाई या इस दवा के बारे में जो जानकारी दी इसकी एक आइडिया आपको आई होगी और आशा करता हूँ ये जो भी मैं बैच फ्लावर मेडिसिन के बारे में आपको बता रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा और ऐसे स्वभाव के लोगों को आप ढूंढ कर ही ये दवा दे रहे होंगे। यदि ऐसे स्वभाव के मनुष्यों को आप दवा दोगे तो यकीन मानिए कि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स अक्सर देखने को मिलते हैं। टर्मिनल डिजीज से कई बार रोगी मर रहा होता है, प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ऐसे में डॉक्टर कह देते हैं कि चिकन सूप पिलाओ, थोड़ी सी ताकत ऐसे लोगों के अंदर आ सकती है। तो लोग मरना पसंद करते हैं लेकिन नॉनवेज नहीं खाएंगे क्योंकि ज़िंदगी भर वो वेजिटेरियन थे, ऐसे उसूल को वो फॉलो करते हैं चाहे उसके लिए उन्हें जान ही क्यों ना देनी पड़े। ये एक और उदाहरण हो सकता है जहाँ पे रॉक वाटर इंडिकेटेड हो सकती है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी जो मैंने दी आपको समझ में आई होंगी। रॉक वाटर कैसे लोगों के अंदर हम देते हैं इसकी थोड़ी सी जानकारी समझ आपको आई होगी। तो यदि आपको पसंद आया है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।